होगा कि यूजी के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एडमिशन फॉर्म्स निकल चुके हैं, और आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मैंने फ़ोन में ये वेबसाइट खोल ली हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, क्योंकि आपको पता है जब एडमिशन फॉर्म्स निकलते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट कोलैप्स करने लग जाती है। तो हमने आपके लिए एक डेमो वीडियो बनाने की कोशिश की है, और आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर दिया गया है कि ओपन फॉर स्टूडेंट्स है। अब इस पोर्टल के बारे में यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं, तो अगर आपको मेरे ऊपर कोई मैसेज दिखाई दिए तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। दिस पोर्टल केटर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी रजिस्टरिंग साइमल्टेनियसली ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, यू मे फेस डिलेज इन सबमिटिंग फॉर्म। तो यूनिवर्सिटी ने पहले आपको बता दिया है कि आपको डिले हो सकती है। काइंडली डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन टू पे योर फीस, उसके लिए आप पहले ही कर दीजिएगा वो काम, और अटकिएगा मत, लास्ट दिन के चक्कर में मत रहिएगा। तो अभी शुरू में भी अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वेबसाइट जो है वो कोलैप्स कर जाती है, और आखिरी में भी कोलैप्स कर जाती है। तो आप बीच के टाइम पर देखिएगा कि आपके जो बीच के दिन रहे उसमें आप कर लीजिए। 4 जुलाई तक आपको टाइम मिला है, बहुत बढ़िया टाइम है। 5 बजे आज फॉर्म आ गए थे। अब हम इस वीडियो में आपको एक फॉर्म भरकर बताएंगे कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे आप आगे फॉर्म को भर सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अब यहाँ पर आपके लिए दिया गया है, दिस इज इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर बोथ मेरिट बेस्ड एंड एंट्रेंस बेस्ड अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो यहाँ पर मेरिट बेस्ड आपके जितने भी कोर्स हैं, एंट्रेंस बेस्ड जितने भी कोर्स हैं, वहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आ गए हैं। अब यहाँ पर पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन फॉर्म नहीं आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अभी तक नहीं आया कुछ भी, तो उसका आप इंतजार कीजिए। यूजी कोर्सेज के लिए हम आज आपको बता ही रहे हैं। पीजी कोर्सेज के लिए भी आपको फॉर्म ऐसे ही भरना होगा, लगभग सेम ही होगा सब कुछ। स्टूडेंट रजिस्टरिंग फॉर मेरिट बेस्ड एडमिशन विल बी रजिस्टरिंग फॉर ऑल कॉलेजेस एंड कोर्सेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो चलिए अब नीचे तक आपको हमने दिखा दिया। यहाँ पर अगर आप रजिस्टर हो चुके हैं तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड भरकर भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने अभी नहीं किया तो हम नया यूजर रजिस्टर करते हैं, और आप देखिए धीरे धीरे लिंक खुलेगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कई दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके लिए सबसे पहली तो ये है कि आपको अपना नाम और जो डिटेल्स डालनी है वो 12th बोर्ड मार्कशीट के हिसाब से डालनी है, जो आपने वहाँ पर 12th में लिखवाई है। अभी आपकी मार्कशीट नहीं आई होगी क्योंकि CBSE के एग्जाम्स यहाँ पर नहीं हुए हैं और रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं। तो एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। अब रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस यहाँ पर जो पॉइंट 2 है वो आपको अपने आप देना है, जो यहाँ पर आप अभी रजिस्ट्रेशन में देंगे। कोशिश कीजिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव हो, एक्टिव ईमेल हो। तो इस केस में अगर एक्टिव होगा, अगर इनएक्टिव होगा तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब चौथी चीज़ जो यहाँ पर की गई है कि द ईमेल एड्रेस प्रोवाइड्स बाय एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल एंड एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सेस टू इट। अब अगर आपके पास ईमेल की लॉगिन की नहीं होगी सुविधा तो आपको आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपके पास कोई ईमेल नहीं है तो आप नया ईमेल बना सकते हैं, और गूगल क्रोम को यूज़ करने का यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। तो यूसी ब्राउजर यूज़ मत कीजिएगा, चाइनीज़ ऐप्स यूज़ मत कीजिएगा। चलिए रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू यूजी कोर्सेज, अब नाम हम भर लेते हैं। तो हमारा नाम आप सभी को पता है, आदित्य यादव हमारा नाम है। चलिए ऑटोफिल यहाँ पर आ जाता है। अब एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस भरते हैं, तो ईमेल एड्रेस आपका कुछ भी हो सकता है, मेरा यहाँ पर अलग है, आपके लिए अलग है। तो ऐसा कई बार हो सकता है जब आपको लगे कि ये ईमेल एड्रेस तो शायद मेरा श्योर नहीं है, तो उस टाइम पर आप अपनी उसे डिलीट करिएगा, और जो आपका ईमेल एड्रेस अभी आज के टाइम पर चालू है उस चीज़ को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, और उसी ईमेल को यहाँ पर यूज़ कीजिएगा ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। अब आपको दोबारा से ईमेल डालना होगा, यहाँ पर री एंटर करना होगा, और सेम ईमेल आप डालेंगे तो यहाँ पर वैलिड हो जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड यहाँ पर मेरे लिए तो ऑटो जनरेट हो गया था, मैंने मेरे फ़ोन से ऑटो जनरेट हो गया था, तो आप ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं या फिर आप अपना कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पर कैप्चा भर दीजिए। उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे, आपको OTP आएगा और OTP आपको डालना होगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पर डिटेल्स जो है वो फुल कर देते हैं। थोड़ी देर में आपके पास OTP आ जाएगा, और जब आपके पास OTP आ जाता है तो आपको यहाँ पर OTP के स्क्रीन में भरना है। आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, 15 मिनट में आप ईमेल पर भी आपके OTP आएगा और फ़ोन नंबर पर भी आएगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। नहीं आता है तो आप रिसेंड OTP का जो ऑप्शन है उसे भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको OTP डालना है, मैंने OTP यहाँ पर डाल दी आप लोगों के लिए। अब आप देखेंगे योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर योर वेरीफिकेशन कोड टू एक्टिवेट इट, उसे एक्टिवेट करने के लिए। और यहाँ पर आपको यहाँ पर फिर से कैप्चा वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, और ये सिंपल से वर्ड्स होते हैं, आप कोई भी डाल सकते हैं। चलिए तो हम रजिस्टर हो गए हैं, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन। तो यहाँ पर अब रजिस्टर्ड हमारी ईमेल आईडी से हम जिसको यूज़ किया हमने उससे हम लॉग इन करेंगे, और पासवर्ड तो यहाँ पर मेरे ऑटोमेटिक फिल हो गया है। आप अपना पासवर्ड याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं।
तो उसके बाद फिर से आपको कैप्चा यहाँ पर डालना पड़ेगा और दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये चीज़ें आएंगी कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए, आपको रेडी कौन कौन से रखने होंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट तो आपके लिए है फोटोकॉपी, इन सभी की आपको रखनी होगी। फोटोकॉपी के ऊपर आपको लिखना होगा सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद आप सभी इन फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड लिख के आप स्कैन कर लीजिए, और स्कैन आप अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उन्हें रखिए, प्रिंटर से करते हैं बहुत अच्छी बात है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को आप अपने साथ रखिए जब आप ये फॉर्म भरने जाते हैं। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से रेडी रखने चाहिए, वो है आपके लिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और आप देख रहे होंगे ऊपर अभी भी लोग पूछ रहे हैं सर DLLB के लिए आया क्या, तो DLLB के लिए जी अभी कुछ नहीं आया, तो हम बता देंगे जैसे ही आएगा। अब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको रखनी है 10 से 50 KB में, ठीक है। JPG, GPG या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब अगर आपको नहीं आता है ये कैसे कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख सकते हैं, और आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाकर अपनी फ़ोटोज़ को कंप्रेस कर सकते हैं और फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए स्कैन सिग्नेचर, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10th की मार्कशीट, ये सभी के पास होगी। उसका साइज़ यहाँ पर 100 से 500 KB के बीच में दिया गया है। सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12th की मार्कशीट, अगर अनाउंस हो गया रिजल्ट, और अगर इन केस अनाउंस नहीं हुआ है तो आप अभी इंतजार कीजिए, ठीक है, अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपकी कोई कैटेगरी लगती है SC ST OBC PWD CW KM, कोई भी कैटेगरी आपकी लगती है, तो यहाँ पर आप उसकी सर्टिफिकेट दीजिए। OBC अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको 31 मार्च के बाद यहाँ पर उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 31 मार्च की डेट के बाद की, 100 से 500 KB में, ये भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप EWS कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो वो सर्टिफिकेट इशू होनी चाहिए SDM से, ठीक है, और SDM सर्टिफाई करता हो कि ये आदमी जो है वो क्लेम कर सकता है, ये एप्लीकेंट जो क्लेम कर सकता है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रिजर्वेशन के अंडर EWS के अंडर, और वो भी डेट होनी चाहिए उसकी 31 मार्च 2020 के बाद की, 100 से 500 KB के बीच में यहाँ पर उसकी वो होनी चाहिए। चलिए उसके बाद यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करते हैं तो स्पोर्ट्स और ECA की सर्टिफिकेट की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। अगर आप BA म्यूज़िक के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको YouTube वीडियो का लिंक देना पड़ेगा जहाँ पर आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी, और वही आपका जो है वो ट्यूटोरियल माना जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के कोर्स के लिए, तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं आपके लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए। अब यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन की जाएगी उसमें जो आपका नाम है वो सेम होना चाहिए, जो आपके 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल्स भरते हैं, और सबसे पहले हम आते हैं, तो आप देखिएगा आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, फुल नेम, लास्ट नेम, ये सब आपको भरना है। उसके बाद आपका जेंडर आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया में, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम आप सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे तो येस, ओवरसीज सिटीजन है तो आप अगर हिंदी नहीं समझ रहे होंगे तो आप वीडियो ही क्यों देखेंगे। उसके बाद कैटेगरी की बात करें तो आपको कैटेगरी भरनी है, और अगर माइनॉरिटी कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। ईमेल एड्रेस, फोन नंबर यहाँ पर आ गया है, अल्टरनेट अगर आप देना चाहें तो दोनों ही चीज़ दे सकते हैं। आपका आधार कार्ड नंबर आपके साथ होना चाहिए, स्टेट ऑफ डोमोसाइल कहाँ है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, फैमिली डिटेल्स, आपकी माता जी का नाम, माता जी का पेशा, माता जी का ऑफिस का एड्रेस अगर ऑफिस है तो। अब अगर यहाँ पे आप उनका फोन नंबर भी दे सकते हैं, फादर का नाम, सेम ऑक्यूपेशन, ऐसे ही आपको उनके एड्रेसेस देने होंगे। अब यहाँ पर दिल्ली बोर्ड कोटा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, अगर आप आपके माता पिता यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कार्यरत हैं तो आप उनका भी कोटा ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और कोटा की बात यहाँ पर की गई है, अलग अलग यहाँ पर कोटा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर आपको PWD पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ का कोटा है, उसके बाद चिल्ड्रन विडो ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स का यहाँ पर आपके लिए कोटा है, कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में आपके लिए कोटा है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर J&K स्टूडेंट्स के लिए कोटा है, सिक्किम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कोटा है। अब यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है जहाँ पर आपके जो आपको डाक जिसे जहाँ पर आपकी पहुँच सके, पोस्ट पहुँच सके, वैसे इसकी कई पोस्ट नहीं पहुँचती लेकिन फिर भी। और उसके बाद आपको यहाँ पर डालनी है अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स। बैंक अकाउंट की डिटेल इसलिए डाली जाती है कि कई बार अगर आपको पैसे जो फीस के हैं वो रिफंड करने पड़े तो वहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक अकाउंट की डालनी होगी। तो यहाँ पर हमने पहला पार्ट आपके लिए कर दिया है, और आप सभी लोगों के लिए हमने कोशिश की है कि आपके लिए अच्छा सा ट्यूटोरियल बना सकें। तो ये हमारे ट्यूटोरियल का पहला पार्ट रहेगा, और दूसरा पार्ट जो हमारे आपने देख रहे होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कॉलम सभी बचे हुए हैं, उन्हें हम जल्दी आप लोगों के लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल्स लाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। ये फॉर्म्स जो आपके लिए दोबारा खुलेंगे जब आपके जो CBSE के रिजल्ट आ जाएंगे, और यहाँ पर दोबारा आपको मार्क्स भरने को कहा जाएगा। तो जब तक के लिए आप 2 या 3 या 4 या 5, 7, 8 तक फीस भी भरकर ये प्रोसीजर खत्म कर सकते हैं, अदरवाइज हम आपको ये करवा देंगे एक अगली वीडियो में, नई वीडियो में। चलिए तो मिलते हैं नई वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो फॉर्म भरने में जिन्हें दिक्कत हो रही है तो आप इन्हें ये वीडियो दिखाकर हेल्प कर सकते हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।